डायमंड एकेडमी जालंधर कैंट के बच्चों ने एक बार फिर अपने शहर का नाम रोशन किया है। एकेडमी में चल रहे बॉक्सिंग कंपटीशन में 96 किलो भार वर्ग में गुरप्रीत गोगी ने स्वर्ण पदक और तरुण प्रीत ने 92 किलो भार वर्ग में ब्रांज मेडल हासिल किया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिलक राज शर्मा ने बच्चों का मुंह मीठा करवाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संजय कनौजिया ने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर एकेडमी के कोच तरुण गोयल ने कैंट वासियों का भी धन्यवाद प्रकट किया कि वे समय समय पर इस एकेडमी को अपना सहयोग देते रहते हैं। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार जी, डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी जो कि कोच तरुण जी द्वारा चलाई जा रही है जालंधर छावनी में, जिसमें वो हर एक वर्ग के बच्चों को फ्री में बॉक्सिंग और एथलेटिक्स की कोचिंग देते हैं और ये लगभग दो साल से पिछले दो साल से फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है, अभी हमारे पीछे दो बॉक्सर्स बाहर खेलने गए थे जो कि गोल्ड और कांस्य पदक लेकर आए हैं और हम एकेडमी की तरफ से और कोच की तरफ से हमेशा ये विचार अपने मन में रखते हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी जाएँ और फ्यूचर में भी ऐसे गोल्ड मेडल और जीत कर आते रहें और हम पूर्ण सहयोग देते रहेंगे उनको। आज डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी जालंधर कैंट दे जो कि दो स्टूडेंट गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, बहुत खुशी की गल है। और मैं ये मैसेज पूरे कैंट निवासियों को देना चाहना कि कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स की गेम करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस अकैडमी के आए और गेम करे। उन्होंने 24 घंटे इस एकेडमी के दरवाजे खुले हुए हैं और इन सभी शर्मा जी और संजय भैया और जितना भी इनका ग्रुप है, इनकी तरफ से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाएगी। हम तो सेवक हैं, हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम उसका भरपूर जो है इनको अदा करेंगे और पूरी तरह इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद।